हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अमेज़न पार्टी वेयर साड़ी हॉल। और मैंने जो साड़ीज ऑर्डर की है वो सबसे पहली जो साड़ी है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है ब्लैक जॉर्जेट साड़ी और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है। और इसका जो प्रिंट है, डिज़ाइन है, वो आप देख सकते हो, फ्लोरल है एंड बहुत ही सही लगती है पहनने पर। आपको बहुत ज़्यादा स्लिम दिखाती है और इसकी बॉर्डर है ये कुछ इस टाइप की है, तो इससे थोड़ा सा साड़ी को ये हैवी लुक ये बॉर्डर से मिलता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और ये वाला जो बॉर्डर है ये ऊपर भी है और साड़ी के नीचे भी है, और इसके साथ ब्लाउज पीस भी मिलता है जो मैंने पता नहीं कहीं कहाँ पे रखा है, क्योंकि मैं एक और ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल करने वाली हूँ, तो उस पर भी ये वाला बॉर्डर दिया गया था। ये जैसी दिख रही है बिल्कुल क्वालिटी में, इसके फिनिशिंग में कहीं से कोई धागे वागे नहीं निकले हैं। इसका बॉर्डर का फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है और इसका जो ओवरऑल फील है ना ये फैब्रिक का, ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो ये साड़ी है मुझे ये बहुत ही डिफरेंट लगी और मुझे लगा कि ये सिर्फ देखने में ही ऐसी क्रश होगी, ये एक्चुअली ऐसी नहीं होगी। पर जब मैंने ये साड़ी रिसीव की तो मैं सच में सरप्राइज हो गई कि नहीं, ये जैसी पिक्चर में आपको दी गई है एग्जैक्टली वैसी ही है। ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेची जैसा मटेरियल दिखेगा, देखिए, तो ये प्रिंट बांधनी है और इसके अंदर ये मैंने जो लिया है ये पर्पल है, रानी था, ब्लैक कलर इसमें था, रेड कलर भी था, तो मुझे ये वाला कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगा। मेरे पास साड़ी के कलेक्शन में ये वाला कलर नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया। और इसके अंदर ये वाइट जो बांधनी जैसी प्रिंट है ये इसे और ज़्यादा एलिगेंट बनाती है। बिल्कुल ऐसा ही क्रश मटेरियल का ही इसके अंदर ब्लाउज पीस मिला है जो जैसे स्प्रिंग जैसा आपको फील देता है ये, तो साड़ी भी बिल्कुल वैसी है। काफ़ी थिक है ये साड़ी, अगर आप देखोगे तो इतनी सी थ्रू नहीं है, काफ़ी थिक है और ऐसे एकदम हल्की फुल्की भी नहीं है कि ऐसे आपको शेप नहीं देगी प्रॉपर या ऐसा। काफ़ी मतलब थोड़ी सी ये हैवी भी है, अच्छा वॉल्यूम भी है और मुझे इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आया। पीछे से ये ऐसी दिखती है और आगे से ये साड़ी ऐसी दिखती है और एंटायर जो साड़ी है वो सेम ही है, तो इसको भी अगेन आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो। अब ये जो थर्ड साड़ी है ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है और इसका बॉर्डर में जो ब्यूटी है ना यही सब कुछ है, मतलब सच में बहुत ही सही है। एंड मैं ऑर्गेन्जा साड़ी के लिए सबसे पहले बता दूं कि कई बार ना लोग रिव्यू में नीचे लिखते हैं कि अरे ये तो सी थ्रू है, ये तो कितनी पतली है, अरे ये तो बिल्कुल हल्की फुल्की सी है। तो ऑर्गेन्जा का जो मटेरियल होता है ओरिजिनली वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर थोड़ा सा चीप ऑर्गेन्जा है तो वो बहुत ही कड़क एंड बहुत ही दूर दूर रहेगा, ये एकदम से अच्छे से बैठेगा नहीं। पर ये अच्छा वाला आप ऑर्गेन्जा मटेरियल लोगे तो ये अच्छे से शेप देगा और एकदम दूर दूर नहीं रहेगा, मतलब एकदम स्टिफ मटेरियल नहीं होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। देखो जैसे ये एकदम से ऐसे हो रहा है क्रश, और ये सी थ्रू होता है, यस। तो आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना, उसके साथ ना आप नॉर्मल वाली ब्लाउज नहीं पहन सकते हैं, आप मतलब सिलवा सकते हो लेकिन उस तरीके से सिलवाना कि ये
काफी सारी है, वो सी थ्रू है, स्पोर्ट्स ब्रा है, तो जिसको भी आप इसके साथ मैच कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच। अब नेक्स्ट ये जो साड़ी है ये नेट की साड़ी है और इसे आप पार्टी में कैजुअल फंक्शंस में पहन सकते हैं एंड इसमें छोटे छोटे ऐसे मोती जैसे आप पॉल कहते हो वो यहाँ पे लगाए हुए हैं जो ज़रा भी निकल नहीं रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इसे फिक्स किया गया है। बिल्कुल वैसे तो ये नेट की है तो ये ऐसे ही रहने वाली है, पर ये जो नेट है ये काफ़ी थिक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और स्मूथ है। ये ना आपको एकदम से स्टिफ कड़क ऐसे दूर दूर नहीं रहेगा, बॉडी से बहुत ही अच्छे से ये हग करके रहता है। मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी ये वाली साड़ी भी, क्योंकि मुझे इसका भी मटेरियल काफ़ी इम्प्रेस कर गया। अब मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज़ मंगाया है वाइट, जो कि मेरे पास नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे ये एक रेडीमेड ब्लाउज़ ट्राई करना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन से ये काफ़ी अच्छा निकला है और ये मुझे काफ़ी अच्छे से फिट भी हो रहा है और मेरा जो साइज़ है मेरे ख्याल से मैंने एल मंगाया है, जो भी है मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। तो ये आगे का है और ये पीछे का ऑलमोस्ट सेम ही है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। और आप और भी बहुत फैंसी फैंसी क्रॉप टॉप्स मिलते हैं अमेज़ॉन पे, वो आप मंगवा सकते हो, लेकिन मैंने डेलिबरेटली ये स्लीव वाली ब्लाउज़ मंगाई, क्योंकि हर एक जगह पे ना आप एकदम ऐसे फैंसी वाले में नहीं जा सकते हो या ऐसा नहीं पहन सकते हो, तो ये थोड़ा मैंने सेफ साइड तो ये वाला एक मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ भी ऑर्डर किया है। ये अगेन होजियरी मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है और वाइट होने के बावजूद ये इतना सी थ्रू नहीं है, मुझे काफ़ी स्मूथ लगा। इसकी सिलाई और ये सब भी काफ़ी अच्छा है, कहीं से धागे वागे नहीं निकल रहे हैं एंड आपको ये ना डबल बबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखा है ये एल साइज़ है। मैंने आगे भी रेडीमेड ब्लाउजेज़ काफ़ी सारे मंगाए हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सो ये था मेरा अमेज़ॉन साड़ियों का हॉल, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ट्राई ऑन हॉल के साथ शॉपिंग हॉल भी। कौन सी साड़ी आपको पसंद आई, आप इसमें से कौन सा कलर चूज़ करना चाहोगे और कौन सा मटेरियल आपको पसंद आया है और आप कैसे स्टाइल करते हो, ब्लाउज़ के साथ करते हो, क्रॉप टॉप्स के साथ कैसे स्टाइल करते हो, मुझे आप प्लीज़ बताना कॉमेंट सेक्शन में। सारे जो लिंक्स हैं इस वीडियो के नीचे आपको दे दूँगी, चेकआउट करना मिस मत करना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।